ये देखिए, अलग अलग 7 पीपल के पेड़ों को गमले में लगाया गया जो कि दीवारों पर उग रहे थे। दीवारों पर ही इनका कोई भविष्य नहीं था, इन्हें गमलों में सेट किया गया। अब इन्हें ले जाकर एक पवित्र स्थान पर, देखिए ये अंदर भी हैं, दो ये हैं और बाकी हैं, पवित्र स्थान पर इनको लगाया जा रहा है। तो हमारा क्रम शुरू होता है। जो अपन लगाने के लिए चल रहा एक है, मिनट एक मिनट, ये लगाने के लिए चल रहा है ना, ठीक है स्टार्ट करें। ओके डन क्लोज। ये पेड़ जो हम लेकर आए थे सारे हमने यहाँ लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। वीडियो अंदर कर दो बंद, रेडी। अभी रास्ते में हम लोग उपस्थित हैं जी, उड़द की फसल लगी हुई है, 1.25 महीना इसको लगा हो चुका है और 2 महीने बाद फिर ये परिपक्व होगी, इसमें उड़द के दाने लगेंगे। हमारे साथ ये मेहनती है, इनके द्वारा ये तैयार की गई है। बहुत मेहनत के बाद ये फसल का जो हम वो देख रहे हैं, जो कि पूरा आप यहाँ तक देख सकते हैं पूरा। कितनी कड़ी मेहनत के बाद ये फसल जो हमें प्रयोग करते हैं हम लोग दैनिक जीवन में, कितनी मेहनत होती है उसके लिए। जूम लेते हुए देखो, ये उड़द की फसल है जो हम इसको और पास से देखे हैं, देखते हैं। देखिए ये जो पत्ते हैं इनमें कुछ कीड़े लग गए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बारिश की जो बारिश हुई है वह अच्छी मात्रा में हुई है, कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, जिससे फसल को बिगड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई है। हम थोड़ा और पर्वत और इस फसल के प्रांगण का इतना प्रकृति का सुंदर दृश्य देख रहे हैं, यह आधे से ही हमारी अंतरात्मा और मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। ये प्रकृति का मानव जीवन के लिए उपहार है, देखिए कितनी अच्छी सुंदरता है ये। ये सोयाबीन को और हम पास से देखते हैं, सॉरी सोयाबीन नहीं है ये, कितना सुंदर पक्षी है उड़कर चला गया। ये सागौन का पेड़ है जिसके कितने बड़े बड़े पत्ते हैं हम देख सकते हैं, देखिए कितना बड़ा पत्ता है ये, इसको पास से देखते हैं कितना सा पेड़ है। यह भी हम लोग म्यूली ग्राम स्थित जंगल आसपास का क्षेत्र और ये मंदिर का परिसीमा में है। ये आप देख सकते हैं सागौन के काफ़ी ज़्यादा अच्छी श्रृंखला है यहाँ पर। अभी जंगल के रास्ते में हम लोग चल रहे हैं और देखिए कितना प्रकृति का सुंदर नज़ारा है, ये पक्षी चहचहा रहे हैं। ये जंगली पौधे के रंग बिरंगे फूल, इनका कलर देखिए आप, कितना सुंदर इनका रंग है।